वो भागा लेकिन शलवार गिर गई। बीटी जो मकसद अन्या को दोस्त समझी न सक्यो। फिर सोशल मीडिया ने शलवार को ऐसे उठाया कि बंदा कमीज भी उतारने पर मजबूर हो गया। वो कौन था, कहाँ था, क्यों था, ये भूख थी या अयाशी? छोड़ी जा वीडियो, छोड़ने परी। कोई उसे सहाफी कह रहा है तो कोई सोशल वर्कर, लेकिन वो वहाँ कौन सा ज्ञान बांटने गया था? हैशटैग शलवार उतर गई लेकिन इज्जत बच गई। इतना मकबूल हुआ कि बाइज्जत लोग इज्जत जिंदाबाद के नारे लगाने पर मजबूर हो गए। लगता है वो देवदास से मुतासिर था या जॉनी सेंस का शागिर्द था। कुछ भी हो, लेकिन एक झटके में ही कमाल कर गया, नाम और किरदार तक तब्दील कर गया। किसी ने कहा ये सहाफ़ी नहीं, किसी ने कहा हर फेसबुकी सहाफ़ी नहीं होता, लेकिन असल में वो कौन था? अंदाजे बयां से तो लग अनाड़ी रहा था। बंदे से भंड हो जाए तो फिलहाल खामोश हो जाता है, निदामत का इजहार करता है, लेकिन ये क्या था? जलील है, ख्वार का मुझे इज्जत है किराए दी। कोई भी प्रोफेशनल बंदा इस तरह का अमल नहीं करता। ऐब से पाक तो कोई इंसान नहीं, लेकिन खुद से इस तरह से कोई मजाक भी नहीं करता। ये वाकया नसीराबाद में मुबैना तौर पर एक सहाफी के साथ पेश आया। खैर, जो होना था वो हो गया। मैं उस शख्स का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये वीडियो बहुत से लोग देखते हैं। चलो अब शलवार को छोड़ो, सिंध के रियल इश्यूज पर बहस करो, क्योंकि शलवार सिंध का इशू नहीं है।